Let's find job. आपके अपने YouTube चैनल Let's Find Job में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BCom थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2020-21 में फाउंडेशन कोर्स का कंप्यूटर जो थर्ड पेपर है आपका कंप्यूटर का उसका आज की इस वीडियो में मैं पेपर लेकर आया हूँ। इससे पहले दोस्तों मैंने BCom का फर्स्ट पेपर जो आप BCom का फाउंडेशन का फर्स्ट पेपर जो हिंदी होता है उसका मैंने फुल सॉल्यूशन बना दिया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत पेपर नंबर थर्ड कंप्यूटर बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी तो इसका सॉल्यूशन जानने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों आपका पहले इसमें स्टार्ट होता है सही विकल्प, तो सही विकल्प में आपका पहले क्वेश्चन है ALU का कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का, गणितीय एवं तार्किक गणना करना। ओके दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक दो, इसमें विकल्प का प्रश्न क्रमांक दो है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा MS ऑफिस, सी नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा MS ऑफिस। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकल्प का तीसरा प्रोटेड एंड लैंड स्केप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेज ऑरी टेंशन, मतलब ए नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विकल्प के चौथे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये विकल्प का चौथा, इसमें है MS Excel में फार्मूला रिक्त स्थान के चिन्ह के साथ आरंभ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों इक्वल, इक्वल का मतलब ए नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकल्प का अपना पाँचवा है ई ट्रस्ट एक है, तो क्या है दोस्तों ई ट्रस्ट एक एंटीवायरस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का एंटीवायरस। अब दोस्तों जानते हैं इसके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो लघु उत्तरीय प्रश्न जानते हैं दोस्तों आपको पीडीएफ में पूरा फुल सॉल्यूशन दिखाया जाएगा दोस्तों। इससे दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको BCom के जो BCom के अब एग्जामिनेशन चालू हो गए थे दोस्तों आपके आज से, तो आपके इसका फुल सॉल्यूशन ऑल सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन मिलने वाले हैं धीरे धीरे करके, जिस प्रकार से BA और BSc के मिले हैं। तो दोस्तों चलते हैं इसके सॉल्यूशन जानते हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के। दोस्तों देखिए ये है आपका BCom तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम में प्रश्न क्रमांक पत्र है तृतीय कंप्यूटर का, तो ये है आपका, तो जो मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव आंसर बताए हैं ये है, आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव आंसर है, पहले में आपका गणितीय एवं तार्किक गणना है, दूसरे में MS ऑफिस, तीसरे में पेज और रिटेंशन, चौथे में इक्वल का साइन है और पांचवे में एंटीवायरस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक दो रैम को समझाएं, ये है आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये पूरा सा सॉल्यूशन जितना मैंने डब्बे में बंद कर दिया इसका पूरा सॉल्यूशन है रैम को समझाया प्रश्न क्रमांक दो का सॉल्यूशन, आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक तीन, प्रश्न क्रमांक तीन है तीन आंतरिक कमांड को सहित लिखिए, तो ये है आप इसका लिखिए पूरा लिखा है आपका इसका आप आंतरिक कमांड है, तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये आपका पूरा है सॉल्यूशन, इसका आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चालू होता है प्रश्न क्रमांक चार। प्रश्न क्रमांक चार कहता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया लिखिए, तो ये आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया, तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसको लिखने के बाद दोस्तों आपको इसके आगे लिखना है ये, इसके आपको आगे लिखना है यहाँ से और आगे आप देख लीजिए दोस्तों, इसके बाद इसके ये लिखना है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक चार कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक पाँच, प्रश्न क्रमांक पाँच कहता है दोस्तों वर्कबुक को समझाएं, तो ये आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वर्कबुक को समझाना है तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ये मैंने जूम कर दिया आपके लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक छः, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, आपके लिए लेट्स फाइंड जॉब लगातार मेहनत कर रहा है, आप अपना चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों, आपके लिए बेहतरीन से टाइप आंसर करके लाए जाते हैं और आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर देने की पूरी कोशिश की जाती है दोस्तों।
अब वायरस के प्रकार लिखिए, तो ये है आपका छठवा क्वेश्चन, तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। ये है वायरस के प्रकार, तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो रही तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं दोस्तों। इसके आगे आपको लिखना है ये, तो इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 कहता है अपना, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किन कारणों के लिए और कहां किया जाता है? तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 7, तो इसका ये उत्तर, तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको लिखना है ये, तो इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे भी उनको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों लगातार आप अपने चैनल पर अब बीकॉम की थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन जो चालू हैं उनके लगातार सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डालेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे आप किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 8 है अपना दोस्तों, बूटिंग प्रक्रिया को विस्तार से समझाएं। तो ये बूटिंग प्रक्रिया आपका, तो ये आप इसका पार्ट किसी छोड़ लीजिए दोस्तों। ये है, तो इसका आप पार्ट किसी छोड़ लीजिए। इसको लिखने के बाद दोस्तों आपको उसके आगे लिखना है ये। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 9। इंसर्टिंग डिलीवरी एवं मूविंग टेक्सचर को समझाएं। तो ये आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इतना है, तो आप इसका पहले फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको लिखने के बाद दोस्तों आपको लिखना है इसके आगे ये, तो उसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको लिखना है ये, तो उसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 कहता है एनिमेशन प्रभाव को समझाएं। तो ये आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। एनिमेशन प्रभाव, तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको लिखने के बाद दोस्तों आपको उसके आगे लिखना है ये, तो इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नीचे है एनिमेशन के प्रकार, इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 10 भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 कहता है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसके प्रकारों को समझाएं। तो ये आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है इसके यानी ये, तो इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार भी आपको समझाना, तो ये आप इसके कंप्यूटर नेटवर्क का पहले ये है प्रकार, यहाँ से चालू होते हैं आपके तीन प्रकार है इसमें, आपके इसमें तीन प्रकार है, तो इसका आप फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इनका दोस्तों विस्तार है प्रकारों का, तो इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद आपको लिखना है इसके आगे ये, तो इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 11 भी कंप्लीट होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने तृतीय प्रश्न पत्र तृतीय कंप्यूटर को कंप्लीट है। इससे पहले मैंने आधार पाठ्यक्रम के हिंदी का पूरा सॉल्यूशन डाल दिया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और चैनल पर लगातार बीकॉम की ऑल सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डालने वाले, इसलिए आप अपना सपोर्ट बनाए रहें। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है दोस्तों आगे जो भी वीडियो डालेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच सकेगी और आप उसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। और अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। और आप टेलीग्राम में चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको मटेरियल मिल जाता है। धन्यवाद।